नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन पीडब्ल्यूडी विभाग का नया कारनामा, निजी जमीन से निकाल रहे नाला। रायसेन का पीडब्ल्यूडी विभाग एवं ठेकेदार द्वारा निजी जमीन से पानी निकालने की शिकायत यहां के रहवासियों ने की है। एक रहवासी का कहना है कि यह जो नाला बनाया जा रहा है वह मेरी व्यक्तिगत जमीन से निकाला जा रहा है। ना तो इन्होंने भूमि का अधिग्रहण किया, ना ही कोई हमें मुआवजा दिया है। यदि नाला निजी जमीन से निकाला गया तो उसके आगे बनी हुई 3 दुकानें एवं मकान धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत जिला कलेक्टर पीडब्ल्यूडी विभाग नगर पालिका को कर दी है। वही एक ITI भी लगा दी है, साथ ही साथ अदालत में मुकदमा भी कर दिया है तथा जमीन मालिक ने उस नाले को अपनी जमीन से पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब यदि यह नाला बनता है तो इसके निकासी का रास्ता बंद हो गया है और आगे जाकर ये परेशानी का सबब बनेगा। वहाँ के रहवासी परेशान हैं। वहाँ के 3 दुकानदार जिनके नीचे से नाला निकाला जा रहा है, उनको अपनी दुकानें बमकान के बैठने का पूरा खतरा है और नाले की निकासी जमीन मालिक द्वारा बंद कर देने से इस नाले का पानी का बहाव अब रुक। जमीन मालिक का कहना है कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। वही नाला बनने की रफ्तार इतनी धीमी है कि दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा 8 दिन में नाला बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी नाले के बनने की रफ्तार इतनी धीमी है कि हमारे यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, उसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही एक व्यक्ति इस नाले में गिरकर चोटिल हो चुका है। उसने बताया कि उसको फ्रैक्चर हो गया है। इधर नाले बनने की रफ्तार धीमी है। दूसरा, नाले का पानी निजी भूमि से निकालने के कारण उसकी निकासी बंद कर दी गई है। उधर संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है तो उनके द्वारा कोई ना कोई बहाना करके बात नहीं की जाती है। भोपालपुर से जेल रोड तक बनने वाला रोड या नाला हो या फिर भोपाल रोड पर बनने वाला नाला हो, विवादों में घिरा ही रहता है। हालत यह है कि ना तो वहाँ कोई इंजीनियर मौजूद होता है, ना ही कोई अधिकारी वहाँ की सुध ले रहा है। व्यापारी परेशान हैं, संबंधित विभाग बेखबर है। भविष्य में शहर वासियों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। एक इनकी निजी संपत्ति में नाला बनाया जा रहा है। अभी लोगों ने शिकायत की है कि इन्होंने हमारी कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की है, ना हमें कोई मुआवजा दिया है, लेकिन ये हमारी जगह पे नाला बना रहे हैं। इनका कहना है ये नाला हमारी जगह बनाएंगे, उस नाले को बंद कर देंगे। यदि ये नाला बंद हो गया तो पानी कहाँ जाएगा, ये समझ लीजिए, मतलब पूरा रायसेन बस्ती परेशान होगी। ये अब शासन को सोचना है। इन्होंने RTI लगा दी है, इन्होंने जिलाधीश महोदय को विज्ञापन दिया है, इन्होंने नगर पालिका को दिया है, इन्होंने PWD को दिया है, लेकिन इनका कहना है कि 15 दिन बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं राकेश जैन, राजधानी है। ये खोद के रखा है, महीना भर हो गया है और यहाँ पर हम लोगों के लड़के के परसों के रोज टांग टूट गई यहाँ पर, है ना। और ये धड़क धड़क के पूरा गिरता जा रहा है। हमारे यहाँ ग्राहकी के नाम मात्र की ग्राहकी नहीं हो रही है और बैंकों से जो कर्जे लेके रखे हुए हैं समझ में नहीं आ रहा करें। बबलू सिंह मीणा। क्या परेशानी भाई सर? परेशानी ये है सर, ये जो खुदाई हुई थी इसकी नाले की, ये इन लोगों ने खोदा था, जब ये बोला था कि 7 दिन में इसको कम्प्लीट करके देंगे, हम आज 1 महीना हो गया है। पूरी दुकानों पर हमें बहुत परेशानी हो रही है, ग्राहक हमारे पास आ नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये नाले का पानी है हमारे मकानों के नीचे से जा रहा है, पहले कम आता था, पूरा पानी इकट्ठा करके इसमें वो एकत्रित कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पीछे से नेपाल भाई बंद कर रहे हैं। सरकारी नाला कोई है ही नहीं यहाँ, नेपाल भाई पीछे से बंद कर रहे हैं। नाला नहीं है लेकिन ये ज़बरदस्ती कुंडला के हमारे यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पानी। अब ये भाई सरकारी जगह पर कहीं भी निकाले पानी, किसी की प्राइवेट संपत्ति में थोड़ी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मतलब कुंडला के तो आपने संबंधित विभाग से बात नहीं की क्या? संबंधित विभाग से बात करिए, भैया ने हमारे नेपाल भैया यहाँ तक जोड़ के देंगे, हम इसके बाद में नगर पालिका जाने और आप जाने करेंगे तो हमारे घर में खुद देगा पानी, तो हमें यहाँ से बंद करने में हमें बंद मजबूरी में हमें यहाँ से बंद करना पड़ेगा। जब आप बंद कर दोगे तो पूरा नाला बंद नहीं रहेगा? तो वो PWD और नगर पालिका चलती है ना भाई, इनको ये जब नक्सल ने बनाया होगा तो इसको ये देखना चाहिए कहाँ सरकारी जगह है, कहाँ से पानी निकालती है। अब आप किसी घर में घुस दो पानी कैसे कैसे। अब मैं अभी PWD अधिकारी किशन वर्मा जी घर में नाला खोल दूँ भाई, सामने जाके वो खोलने देंगे मुझे, उनके घर में पानी छोड़ने देंगे मुझे, नारियल कर देता हूँ नाली उनके घर के सामने। पहले जगह में कैसे छोड़ सकते हैं? प्राइवेट जब अगर आपने जमीन अधिग्रहण की होती ना तो हम कोई आपत्ति लगा सकते ना कुछ। आज हमने कोर्ट में केस दायर करा, हमने इनसे जवाब मांगा ITR के लिए, वो आवेदन भी दिया, आज दिन होगा ITR की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।
और सारे अधिकारी आना बंद कर दिए हैं। सारे अधिकारी, कोई भी अधिकारी नहीं आ रही है इधर पे। हमने ठेकेदार से कह दिया, हम नहीं बनाओ यहाँ पे, हम तो यहाँ पर यहाँ पे हमने तो पीछे से बंद कर दिया है। आप ये जाने, आप जो पूरे अगर रायगंज की जनता परेशान होती है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। हर चुके भाई, हमने हमारी जगह पे दीवार उठाई है, हम हमारी बिल्डिंग नहीं गिरा सकते, हमारी जगह कट बनी सकते। हम एक किसान है, हमारी जमीन कटेगी तो हम खेती कहाँ करेंगे? पैदा कहा परेशानी है? परेशानी साहब श्रीमान ये है कि ये नाला जो है हमारी जगह में जा रहा है, जो कि सरकारी जगह नहीं है, हमारे घरों को तोड़ लिया है और घरों में भराएगा। अब पीछे से हमने नाला बंद कर दिया है भाई, हमारी जमीन में पानी जा रहा है, तो हमने नाला बिल्कुल तरीके से पैक कर दिया, क्योंकि कोई जमीन अधिग्रहण नहीं है, ना कोई सरकारी नाला है। अब PWD वाले निकालने क्या रहा, ले जाए कहाँ से निकाल के ले जा रहा है। अब ये परेशानी भाई साहब कौन है चाहिए, इन लोगों को जहाँ के जरे बात उनको चाहिए भाई। मैं अगर जहाँ से पानी निकालूंगा तो आगे जाके वो खेत वाले बंद कर देंगे, ठीक है ना। अब इससे ये कि मैं अगर पानी निकालता हूँ, मेरी जमीन कटेगी, इस पर मैंने केस दायर कर ही दिया है कोर्ट में केस, और एक कलेक्टर को भी नोटिस भेज दिया है, PWD को दे दिया और एक नगर पालिका को भी दे दिया है। उसके बाद भी अब ये नहीं करना है तो अब कल फिर मैं कोर्ट जाऊँगा। काम इतना रोक कर रखा, मैं दो बार में गिर चुका, एक बार तो एक पेड़ पिक्चर हो गया, ये पांव में अभी कल ही मैंने प्लास्टर खुलवाया, 5-6 दिन बंद रहा।